हेलो एवरीवन, टीओसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। गेट 2005 तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, है ना। 2005 तक के हमने किए थे, बट कुछ बच गए थे, तो जो 2005 के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वो इस लेक्चर में कवर अप करेंगे और फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है जी। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन आज का क्या है। कंसिडर द नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनल स्टेट ऑटोमेटन NFA शोन इन द फिगर। ठीक है, ये हमारे पास फिगर गिवन है NFA की। देखते हैं आपको नजर आ रहा होगा ये NFA वैसे क्यों है, आप चेक कर सकते हो। देखो भाई, वन और जीरो, और यहाँ से भी जीरो। देखो, एक्स से वाई पे भी जीरो से जा रहे हैं और एक्स से जेड पे भी जीरो से जा रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा भाई NFA ही है। वैसे तो गिवन था, बट चिल्ड्रन थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, मतलब प्रूव कर दिया कि NFA क्यों है। ठीक है, चलो अब आगे देखो। स्टेट एक्स इज द स्टार्टिंग स्टेट, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, हाँ जी। तो देखो, स्टेट एक्स इज द स्टार्टिंग स्टेट ऑफ ऑटोमेटॉन। ये देखो, एक्स हमारी स्टार्टिंग स्टेट है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहे हैं। लेट लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय NFA विद वाई एज द ओनली एक्सेप्टिंग स्टेट बी L1। तो अगर वाई को हम एक्सेप्टिंग स्टेट मानते हैं, यू कैन से वाई को फाइनल स्टेट मानते हैं, तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड क्या है भाई, L1 है। अच्छा जी, उसके बाद सिमिलरली आगे क्या रखा है कि लेट द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय NFA विद जेड एज द ओनली एक्सेप्टिंग स्टेट बी L2। तो इसका मतलब अगर हम जेड को फाइनल स्टेट मानते हैं तो फिर L2 हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है, ओनली एक्सेप्टिंग स्टेट। समझ पा रहे, मतलब फाइनल स्टेट। तो सिर्फ अगर वाई फाइनल स्टेट है इस NFA की तो L1 एक्सेप्ट हो रही है, और अगर जेड फाइनल स्टेट है इस NFA की तो L2 लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है। अब आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट L1 एंड L2 इज ट्रू। L1 इज इक्वल टू L2, L1 इज सबसेट ऑफ L2 या L2 इज सबसेट ऑफ L1, या नन ऑफ दिस। तो पहली बात तो नन ऑफ दिस पे तो वैसे ही कट लग जाएगा, क्योंकि देखो तीन ही पॉसिबिलिटी हैं। L1 L2 दो दो लैंग्वेजेस हैं अगर हमारे पास, है ना। तो तीन ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं भाई। क्या क्या पॉसिबिलिटी, या तो ये इसका सबसेट होगा, या फिर L1 सबसेट होगा L2 का, या फिर L2 सबसेट होगा L1 का, या L1 और L2 दोनों बराबर होंगे। तीन ही पॉसिबिलिटी, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, तो वही बात है, नन ऑफ दिस आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इस पे तो हम लोग वैसे ही काटा लगा देंगे। तो बचे हैं जी तीन पॉसिबिलिटी। अब सबसेट वाली बातें आ रही हैं, तो फिर हमारे को लैंग्वेज पता करने में करनी पड़ेगी, है ना, कि L1 एग्जैक्टली क्या है, L2 एग्जैक्टली क्या है, एंड सो ऑन। तो L1 एग्जैक्टली क्या है वो कैसे पता लगेगी, इसको फाइनल मान करके, और लैंग्वेज पता लगानी है NFA की। तो वही बात है, हमारे को FA2 RE कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद हमारे को पता लग पाएगा। फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे, आर्डन थ्योरम और एक स्टेट बाईपास मेथड। तो स्टेट बाईपास भी लगा सकते हो और आर्डन थ्योरम भी लगा सकते हो, दोनों से ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो कोशिश करते हैं एक बार आर्डन थ्योरम से करने की, बहुत ब्यूटीफुल है ये। देखो, ये मैं बताऊं, दिस क्वेश्चन, ये इस पे भी मैं देखो तारे बना देता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन पे मैं मल्टीपल टाइम स्टार बनाता हूँ, क्योंकि प्रोफेसर नहीं चाहते थे आपसे यहाँ पे कि एग्जैक्टली आप पता लगाओ कि L1 क्या है, L2 क्या है। मैंने आपको बहुत बार प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, जब भी आप ये सब कन्वर्जन कर रहे होते हैं ना भाई, कई की बारी प्रोफेसर एग्जैक्ट आंसर आपसे चाहते ही नहीं है, है ना। आपसे वो चाहते हैं कि आप क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, मतलब इन द सेंस बिना पता लगा एग्जैक्टली L1 L2 क्या है, हम फिर भी बता दें कि कौन किसका सबसेट है या कौन बराबर है किसके, एंड सो ऑन। समझ पा रहे हो, मतलब L1 L2 बराबर है या कौन किसका सबसेट है, बिना एग्जैक्टली L1 L2 पता लगाए हम ये काम कर सकते हैं यहाँ पे, और यही एग्जैक्टली प्रोफेसर आपसे चाहते थे। लेकिन अगर आप वही बातें ज्यादा दिमाग लगाओगे तो एग्जैक्टली L1 को सॉल्व करने के लिए जाओगे, एग्जैक्टली L2 को सॉल्व करने के लिए जाओगे, और फिर वही बात है, टाइम बर्बाद करोगे पेपर में बैठे बैठे। तो वही बात है, जो जो स्टूडेंट थोड़ा सा इंटेलिजेंट होगा वो बिना एग्जैक्टली पता लगा L1 L2 क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएगा, और जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा, जो ज्यादा ही अपना दिमाग लगाने की कोशिश करेगा, तो वो एग्जैक्टली पता लगेगा कि L1 क्या है, L2 क्या है। रियली यहाँ पे ये चीज रिक्वायर्ड नहीं है। देखो, ऑप्शन भी देखो ना भाई, ऑप्शन में उन्होंने बोला कि आपको L1 एग्जैक्टली क्या, L2 एग्जैक्टली क्या, नहीं, इन्होंने तो सिर्फ रिलेशनशिप पूछा है। तो जितना पूछा उतना काम करो, आप फालतू चीजों में घुसते ही क्यों। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही बात है, अगर आप कोशिश करोगे एग्जैक्टली रेगुलर एक्सप्रेशन निकालने की और वो सब में करोगे तो बड़ा टाइम बर्बाद हो जाएगा, या फिर कोशिश करोगे खुद से कॉमन सेंस से लैंग्वेज का पता लगाने के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर है हम एक बार इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्डन थ्योरम। और ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एप्लीकेशन ऑफ आर्डन थ्योरम का, एप्लीकेशन ऑफ आर्डन थ्योरम। ठीक है, रफली मैं लिख रहा हूँ भाई, आर्डन थ्योरम का ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, इससे अच्छा एग्जाम्पल मेरे को नहीं मिलता अब तक। ओके, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में चीजें एकदम फिट हो जाएं, कि और पता लग जाए आपको कि हम एग्जैक्टली अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अभी इस टाइप से क्वेश्चन आया है, L1 आप निकालने बैठोगे आपकी जान निकल जाएगी, मैं सच बता रहा हूँ आपको। एग्जैक्टली पता लगाओ क्या है L1, बहुत टाइम लग जाएगा भाई। ठीक है, वन स्टार जीरो से हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ से रास्ते से पहुंचेंगे, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, नहीं करना वो सब कुछ। ठीक है, रियली वो सब रिक्वायर्ड नहीं है, आपको सिर्फ रिलेशनशिप बताने, तो वही पता लगाने के लिए हम लोग आर्डन थ्योरम लगाएंगे और स्टेट इक्वेशन लिखने की एक बार कोशिश करते हैं, हमारे को वहीं से समझ में आ जाएगा। देखो भाई, स्टेट इक्वेशन लिखना जरा भाई की,
है ना, वाई की। अगर आपको नहीं पता एडेंड्रम क्या है तो प्लीज मेरे एफ ए टू आर ई की कन्वर्जन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा तो रेगुलर एक्सप्रेशन का वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया है एडेंड्रम क्या है एंड सो ऑन। ठीक है, हाँ जी बताओ भाई, वाई की वैल्यू क्या होगी भाई? देखो वाई की वैल्यू होगी जी मतलब स्टेट इक्वेशन ऑफ वाई है ना, तो वाई इज इक्वल टू व्हाट, एक्स जीरो, मतलब एक्स से जीरो पढ़ के वाई पे आते हैं, और फिर वाई जीरो है ना, मतलब वाई से जीरो पढ़ के वाई पे आ जाते हैं। और कोई इनकमिंग एरर है? हाँ जी ठीक है जी है, प्लस में जेड वन, ठीक है, z से 1 पढ़ के हम लोग y पे आ जाते हैं, तो ये होगी जी 3। अच्छा जी उसके बाद फिर z के लिए बोलो भाई, है ना, z के लिए बोलो भाई, है ना, कैसे कैसे आ रहे हैं हम लोग, x से 0 पढ़ के आ रहे हैं, z से 1 पढ़ के आ रहे हैं, और y से 0 पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, y के लिए हमारे को सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी हम ऐसी x की भी इक्वेशन लिखेंगे और फिर वैल्यूज पुट करेंगे एंड सो ऑन, और हमारा अपनी पूरी रेगुलेशन आएगी जो भी आएगी। मेन बात ये समझो, हमारे को y के लिए सॉल्व करना होगा अगर हम L1 चाहते हैं तो, और z के लिए सॉल्व करना होगा अगर हम L2 चाहते हैं तो। और जरा देखना ध्यान से, ये दोनों स्टेट इक्वेशन एकदम सेम आई है, बस जिसका यहाँ पे दिमाग चल गया वो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर गया, नहीं तो भाई सवेरे से लेकर रात तक भी लगा रहोगे फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना। मतलब कह रही तो मैंने बहुत एक्सट्रीम बोल दिया, हो तो जाएगा, 15 से 20 मिनट आपके खराब होंगे, क्यों बर्बाद करना टाइम। देखते समझ में आ रहा है कि जब स्टेट इक्वेशन एकदम सेम है तो पक्की बात है L1 इज इक्वल टू L2 होगा, ठीक है, डायरेक्ट ए ऑप्शन पे टिक लग जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन था भाई ये, रादर ये मेरे हिसाब से तो 1 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए, 2 नंबर का सिर्फ इसलिए दिया है प्रोफेसर ने कि बच्चा कंफ्यूज है और सोचे कि क्या हो रहा है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो स्टूडेंट के मन में साइकोलॉजी सेट हो जाती है कि हाँ भाई 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, यहाँ पर फटाफट को ट्रिक लगा करके आंसर निकल जाएगा। 2 नंबर का इन्होंने दिया ही सिर्फ इसलिए है कि सिर्फ और सिर्फ वो आप देखना चाह रहे थे कि स्टूडेंट का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना ज्यादा है, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कम होगा वो क्या करेगा भाई, वो पूरा L1 सोचने बैठ जाएगा कि L1 क्या है, फिर पूरा सोचने बैठ जाएगा L2 क्या है, फिर देखने की कोशिश करेगा कौन किसका सबसेट है एंड सो, टाइम की बर्बादी है, इतना करना ही नहीं है। ठीक है, गेट एग्जाम के क्वेश्चन मैं हमेशा से समझाता हूँ, 2 या 3 स्टेप के अंदर अंदर सॉल्व हो जाते हैं, अगर आप 2 या 3 स्टेप से ज्यादा लग रहे हैं मतलब आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। इस जस्ट लाइक मैं आपको हमेशा बताता था, अंधेरे कमरे में आप खड़े हो और आपको दरवाजा खोलना है, तो इधर उधर टैप करोगे उससे कोई फायदा नहीं होगा, हैंडल अगर आपको मिल गया हैंडल घुमाओगे दरवाजा खोलोगे और बाहर निकल जाओगे, तो बिल्कुल वही कहानी होती है अभी गेट एग्जाम के क्वेश्चंस की। इधर उधर आप अगर मतलब इधर उधर टैप करने का मतलब अलग अलग मेथड्स अलग अलग कुछ कुछ करने की कोशिश करो, सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली पता है कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, अप्रोच पता है, तो एक झटके में आंसर आएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत इजीली हम लोग प्रूव करेंगे L1 इज इक्वल टू L2 होगा। और एक बड़ी ब्यूटीफुल बात मैं आपको समझाता हूँ, देखो भैया सबसेट वाली कहानी करें ना, L1 सबसेट ऑफ L2, L2 सबसेट ऑफ L1, तो फिर आप देखो यहाँ पे जो रेगुलर एक्सप्रेशन बन रही है थोड़ा सा ही आपको अंदाजा हो जाएगा, देखो 1 स्टार 0, उसके बाद फिर आगे पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ आएगा, तो ये इतनी इजी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लग रही, इतनी बड़ी बड़ी रेगुलर एक्सप्रेशन बन रही हैं इनकी, वाई के लिए भी अजीब सी बनेगी, जेड के लिए भी अजीब सी बनेगी, और कौन किसका सबसेट है वो तो भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी ऐसे पता लगाने में, समझ पा रहे हो। एक बहुत बड़ी रेगुलर एक्सप्रेशन दे दूं, 2 रेगुलर एक्सप्रेशन आपको दे दूं बड़ी बड़ी, कौन किसका सबसेट है वो पता लगाने में तुम्हारे बहुत दिक्कत हो जाएगी, उसका मतलब ज्यादातर चांसेस यही होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर सबसेट वाला नहीं होगा, इक्वल वाला ही होना चाहिए, थोड़ा समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब कॉमन सेंस की टूल्स टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको देता रहता हूँ, यही आपको गेट एग्जाम में पार उतारेंगे, और ये सब चीजें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। बात समझ में, मैंने क्या कहा, सबसेट वाली बातें होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि यहाँ से कोई स्टैंडर्ड और कोई इजी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बन के आ रही। अगर इजी रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे बन के नहीं आ रही तो इतनी बड़ी बड़ी रेगुलर एक्सप्रेशन आएंगी आपके सामने, विजुलाइज करो ना भैया, देखो ये को इतनी बड़ी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये इतनी बड़ी रेगुलर एक्सप्रेशन है, कौन किसका सबसेट है कौन किसका नहीं है, मतलब वो सब तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, है ना। तो ये सब पता लगाना बैठे बैठे 1-2 मिनट के अंदर अंदर इट्स नॉट एन इजी टास्क, नोट पता लगा लेंगे, टाइम लगेगा ना भाई, 10 से 15 मिनट खराब करोगे, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी आएगा गेट एग्जाम में, वहीं पे आपका दिमाग थोड़ा सा घूम जाना चाहिए कि नहीं भाई ये तो गड़बड़ है, इसका मतलब शायद कुछ इक्वल होने के चांसेस बनेंगे, और इक्वल होने के चांसेस बनेंगे तो फिर हम वही बात है कुछ ना कुछ करके देखते हैं, और जैसे ही आप आर्डन थ्योरम से शुरुआत करोगे क्वेश्चन की आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मेरी काइंड सजेशन है गेट एग्जाम में इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो एक बार आर्डन थ्योरम लगा करके स्टेट इक्वेशन बना के देख लो, जैसे ही आप स्टेट इक्वेशन बनाओगे आपको कुछ हद तक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ जी हमारे पास आंसर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेस्ट वे है भाई, कौन किसका सब्जेक्ट है कौन क्या है कौन क्या नहीं है, एक बार आर्डर थ्योरम लगा लो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और अगर आर्डर थ्योरम से फिर नहीं पता लग रहा तो फिर वही बात है भाई, थोड़ा सा आपको और काम करना पड़ेगा, बट क्वेश्चन ईजी होगा, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, ऐसा इतना अजीब सा कोई बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन बना के दे दे वो काम नहीं करेंगे प्रोफेसर, क्योंकि उनको भी पता है ऑब्जेक्टिव पेपर है, 65 क्वेश्चन है, 3 घंटे का टाइम है, ऑन एन एवरेज लगभग लगभग 2.5 से 3 मिनट मिलते हैं आपको क्वेश्चन के लिए, तो इतना ज्यादा बड़ा और अजीब सा क्वेश्चन बना के नहीं देंगे आपको।
ठीक है, क्वेश्चन इजी ही होगा, द ओनली थिंग इज अप्रोच, आपको अप्रोच पकड़ में आना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन बहुत इजीली क्रैक हो गया अगर आपने आर्डन लगाई थी, तो नहीं लगाई थी तो भाई फंसोगे फंसोगे। ठीक है चलिए, ठीक है जी, मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जंप कर रहे हैं। ठीक है तो ऑप्शन आपको समझ में आ चुका है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। कंसीडर अ रेगुलर ग्रामर एस इंप्लाइज एक्स ए वाई ए जेड एंड सो ऑन, ये कुछ रेगुलर ग्रामर हमारे पास गिवन है, वेयर एस इज द स्टार्टिंग सिंबल, द सेट ऑफ टर्मिनल्स ए एंड द सेट ऑफ नॉन टर्मिनल एस डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वी विश टू कंस्ट्रक्ट अ डीएफए टू रिकॉग्नाइज द सेम लैंग्वेज, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड फॉर द डीएफए। ठीक है जी, तो अब वही बात है, ये देख लो जरा क्वेश्चन कितने नंबर का है, दो नंबर का है ना, और 2005 का ये क्वेश्चन है, आईटी में आया था। हाँ जी बताओ भाई, पहले गेट का अलग अलग होता था, सीएससी और आईटी का अलग अलग पेपर होता था, अब तो कंबाइंड होता है, तो पहले आईटी का अलग आता था तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है भाई बताओ कैसे करेंगे इसको सॉल्व, अगर आपको याद आ रहा हो मैंने आपको समझा रखा है, राइट लीनियर हो या लेफ्ट लीनियर हो, हम उसको फटाफट से एनएफए या डीएफए जो भी हो सकता है हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर ग्रामर, रेगुलर ग्रामर से फाइनाइट ऑटोमेटा हमारे को बनाना आता है, मैंने आपको बहुत बार अच्छे से समझा रखा है। नहीं याद आ रहा तो प्लीज मेरे लेक्चर्स देखो, मैं जहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको सीधा समझाता हूँ। यहाँ पे दिक्कत यह है भाई, लेफ्ट लीनियर है ये, राइट लीनियर नहीं है, तो लेफ्ट लीनियर है तो हम क्या करेंगे भाई, इसको एक के सबसे पहले राइट लीनियर में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब सारे के सारे सिंबल्स उल्टे कर लेंगे, डीएफए बना लेंगे, और वो जो डीएफए होगा वो एक्चुअली जो हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही होगी ना, देखो जैसे सपोज कर लो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज है हमारे पास से एल जी है, ठीक है, लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर जी इज एल जी। अब आपने अगर इनको साब को उल्टा कर दिया, मतलब मैंने ऐसे लिख दिया एस इम्प्लाइज ए एक्स ए वाई, ठीक है, एक्स इम्प्लाइज ए जेड, जेड इम्प्लाइज ए एस और नल, Y implies a W और W implies a S, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो obviously ये ग्रामर जो लैंग्वेज जनरेट करेगी that will be what L transpose G, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेफ्ट लीनियर को राइट लीनियर में कन्वर्ट कर दो, राइट लीनियर को लेफ्ट लीनियर में कन्वर्ट कर दो, तो फिर हमारे पास जो ग्रामर आएगी, जो लैंग्वेज आएगी वो ट्रांसपोज जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी एकदम, जैसे अगर ए बी स्ट्रिंग है इसके अंदर तो इसमें फिर भी ए आएगा, है ना, इसमें ए बी है तो बी आएगा, या फिर इसमें ए बी है तो इसमें बी आएगा एंड सो, या इसमें बी ए है तो इसमें ए बी आएगा, जो मर्जी समझ लो, मतलब ट्रांसपोज उल्टा हो जाएंगे लैंग्वेजेस, इससे इधर आओगे तो लैंग्वेज ट्रांसपोज, इससे इधर आओगे तो लैंग्वेज ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसके लिए मेरे को डीएफए बनाना बड़े आराम से आता है ना, ये तो आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, क्योंकि राइट लीनियर है, फटाफट से कन्वर्ट कर देंगे अभी हम, है ना, तो बना देते हैं फटाफट से, तो ले लेते हैं भाई एस, जितने नॉन टर्मिनल स्टेट्स होंगे एस एक्स जेड वाई W, ठीक है, और S हमारी क्या हो जाएगी, इनिशियल स्टेट AX, S implies AX, तो लो जी ये हो गया जी S implies AX, या फिर AY, तो लो जी ये हो गया जी AY, ठीक है, उसके बाद फिर X implies AZ, X implies AZ, तो लो जी X implies AZ, Z implies AS, Z implies AS, अच्छा और null, Z implies AS और null, आपको याद आ रहा होगा null का मतलब क्या होता था, वो हमारी final state होगी, तो लो भाई इसको हम लोग final भी बना देते हैं, है ना, याद आ रहा होगा सबको, सब चीजें मैंने बता रखी हैं आपको, regular grammar से FA, FA से regular grammar and so on, वो सब वीडियो देख लो अगर आपको याद नहीं आ रहा, तो Y implies AW, Y implies AW, ठीक है जी, इसको फिर W implies AS, W implies AS, तो लो जी W implies AS, ठीक है समझ गए। अच्छा तो ये हो गया हमारे पास डीएफए, अब हमारे पास जो लैंग्वेज आई है एक्चुअली ट्रांसपोज आई है, तो हम क्या करेंगे, अब आपको याद आ रहा होगा अगर एल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के लिए हमारे पास कोई डीएफए या एनएफए हमारे पास बना हुआ है, तो हम उसको एक्चुअल एल कैसे लाएंगे, हम फाइनल को इनिशियल बना देंगे, इनिशियल को फाइनल बना देंगे और सारे एरर्स को फ्लिप कर देंगे, याद आ रहा होगा आपको मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है सारी कहानी, वो काम कर सकते हैं, बट एक बात मुझे ये समझाओ क्या यहाँ पे रियली वो सब रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई टर्मिनल जो है ना हमारे पास सिंपल ए है, एक सिंगल नॉन सिंगल टर्मिनल है भाई ए, तो जो भी हम स्ट्रिंग बना रहे हैं वो ए पे बना रहे हैं, तो अगर आपने डबल ए लिखा है तो उसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ऑब्वियसली डबल ए ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना भाई, समझ पा रहे हो, तो ये हमेशा पैलिंड्रोम्स ही होते हैं, आपको पता है कि नहीं, जो भी देखो अगर ये चीजें मैंने वैसे आपको बता रखी है, अगर सिग्मा हमारे पास ए है तो आप जो भी लैंग्वेज बनाओगे एल विल बी सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, है ना, सीधी बात सिग्मा स्टार क्या होगा भाई, ए स्टार, तो एल विल बी कोई भी लैंग्वेज आप बनाओगे तो दैट विल बी सबसेट ऑफ ए स्टार, नाउ ईच एंड एवरी एल विल बी स्ट्रिंग ऑफ पैलिंड्रोम्स होगी, व्हाई पैलिंड्रोम्स, क्योंकि ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होगे भाई ए आपने पकड़ा है
है ना। तो फिर ए मतलब सिंगल टर्मिनल है, तो सिंगल टर्मिनल है तो फिर आप जो भी स्ट्रिंग बनाओगे डेट विल बी ऑलवेज पैलेंड्रोम, ऑब्वियसली बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो बस वही बात है, जो है ही पैलेंड्रोम तो उल्टे सीधे एक जैसे हैं, तो फिर मैं यहाँ पे क्यों करूँ वो फाइनल को नॉन फाइनल को इनिशियल, इनिशियल को फाइनल, और एरो सारे फ्लिप करूँ, को फर्क नहीं पड़ना। चाहते हो तो कर लो उससे, पर मेरे को फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि चाहे डबल ए सेप्टर होगा चाहे ट्रिपल ए सेप्टर होगा, जो भी होगा उसको हम उल्टा करेंगे तो वही का वही स्ट्रिंग आने वाला है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस ये हमारे पास बन चुका है जी कॉरस्पॉन्डिंग डीएफए, ठीक है। अब इसने क्या कहा था, आप देखो वही बात है, आप जल्दबाजी में आप क्या करोगे जी, पांच स्टेट्स है तो लो अभी पांच पे टिक लगा के आ जाएगा, बट नहीं, थोड़ा ध्यान से पढ़ो ना इसने क्या कहा है। इसने बोला है वी विश टू कंस्ट्रक्ट द डिटरमिनिस्टिक फाइनल ऑटोमेटेड रिग्रेशन द सेम वे, व्हाट इज द मिनिमम, ये देखो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, तो मतलब मिनिमल डीएफए बनाना चाहते, तो अब हमारे को चेक करना पड़ेगा भाई ये मिनिमल है या नहीं है, ठीक है। तो एक बार जरा चेक करना ये कर क्या रहा है, तो आपको अपने से समझ में आएगा। देखो भाई एस ए ए ए है ना, तो नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय थ्री, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। और यहाँ से देखो फिर ये एस ए ए मतलब ये देखो यहाँ पे ए, तो नंबर ऑफ फेज आर डिविजिबल बाय थ्री, तो घुमा फिरा करके हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, ये देखो यहाँ पे ये तीन के डिविजिबल, तो यहाँ पे अगर आप इसको फाइनल कर रहे हैं तो रिमाइंडर टू आ रहा है, बस समझ पा रहे हो, रिमाइंडर टू आ रहा है हमारे पास। तो नंबर ऑफ एज व्हेन डिवाइडेड बाय थ्री गिव्स रिमाइंडर टू, तो आपको याद होगा भाई तो तीन सेट का डीएफए होता था, काम खत्म, डायरेक्टली बन गया, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आएगा भाई, थ्री। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो प्लीज मेरे डिविजिबिलिटी वाले लेक्चर्स देखो भाई, है ना, मतलब जो मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए पढ़ाया था आपको, ऑप्शन भी आएगा इसका आंसर, जो मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए के वीडियोस बनाए थे, आई थिंक मैंने 10 to 11 वीडियोस बनाए थे, लगभग 10-11 घंटे मैंने आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ाई थी, और कैटेगरी बाय कैटेगरी क्वेश्चंस पढ़ाए थे आपको, डिविजिबिलिटी कंडीशन स्टार्टिंग विद समथिंग एंडिंग विद समथिंग एंड सो ऑन, तो उसमें जो डिविजिबिलिटी कंडीशन वाले थे आई थिंक पार्ट 4 या 5 होगा, आप चेक कर लेना, उसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया था। तो इसके लिए तीन स्टेट का डीएफए बनेगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो ये देखो मैं सिंपल बात इतनी करता हूँ, ये जो स्टेट्स है ना ये दोनों रिडंडेंट है, इनको भगा दो, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहीं से हम लोग चलते रहेंगे बस, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। और अगर आपको ये चीज भी क्लियर नहीं होती, इतना तो एटलीस्ट बन चुका है, देखो तरीके मेरे पास 1 लाख है क्या, जो आपको तरीका समझ में आता है आप वो तरीका अपना लेना, ठीक है। तो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेज टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन। देखो फर्स्ट थिंग हमने क्या देखी, हमारे पास ये लेफ्ट लीनियर ग्रामर थी, मैंने इसको राइट लीनियर में कन्वर्ट करा और बोल दिया एल ट्रांसपोज जी ये एक्सेप्ट करवाएगी, अगर ये एल जी एक्सेप्ट करवाएगी तो ये एल ट्रांसपोज जी एक्सेप्ट करवाएगी, है ना, मतलब सारे सारे स्ट्रिंग उल्टे हो चुके होंगे। बट खास बात देखा कि हमारे पास सिंबल तो एक ही था, तो अगर हमारे पास टर्मिनल सिंबल एक है तो मतलब जो भी स्ट्रिंग हम बना रहे हैं वो ए पे ही बना रहे हैं, सिंगल सिंगल हमारे पास टर्मिनल सिंबल है दैट इज ए, तो ठीक है भाई ट्रांसपोज हो या सीधी लैंग्वेज हो एक ही बात है, क्योंकि सारे स्ट्रिंग तो एक जैसे ही होंगे, मतलब सारे के सारे स्ट्रिंग एक जैसे, मतलब सारे 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 पैलेंड्रोम्स होंगे, पैलेंड्रोम्स होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल ए को ऐसे पढ़ लो ऐसे पढ़ लो डबल ए ही रहेगा, ऐसे ट्रिपल ए को चाहे ऐसे पढ़ लो जैसे पढ़ लो एक ही तो बात है, समझ पा रहे हो ना, डबल ए को चाहे हमने ऐसे पढ़ा चाहे ऐसे पढ़ा एक ही तो बात है, डबल ए तो रहेगा, पैलेंड्रोम्स है, पैलेंड्रोम्स है तो हमारे को टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना। तो फिर अब मैं क्यों यहाँ पे फाइनल को इनिशियल बनाऊ, इनिशियल को फाइनल बनाऊ और सारे एरो फ्लिप करूँ एंड फ्रंट को टाइम पर बात करूँ, अपना गेट एग्जाम में बैठे बैठे आपको सब क्लिक हो जाना चाहिए था, ठीक है जी। तो आप आपको देखते समझ आ रहा होगा कि नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय नंबर ऑफ एज मॉड थ्री दैट मस्ट बी इक्वल टू टू, मतलब रिमाइंडर टू आना चाहिए, वो है हमारे पास, ये आपको देखते समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ खास टेक्निकलिटी नहीं थी, अगर आपने मेरे वीडियो ढंग से देख रखे हैं तो आपको देखते समझ में आ रहा होगा। तो बस हमारी बात वहीं खत्म हो जाएगी, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा भाई, तीन स्टेट का बनेगा, ठीक है, और ये दोनों स्टेट्स बकवास थी, इनको हम हटा सकते थे। अच्छा अब वही बात है, अगर आपका पेपर में दिमाग नहीं चल रहा, वर्स्ट केस में आप क्या करोगे भाई, वही बात है मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेट्स वाली लगा सकते थे, बट मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेट्स डीएफए पे चलती थी, एनएफए पे नहीं चलती थी, और यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है ये एनएफए आ रहा है, ठीक है, तो वो काम हमारा होने नहीं वाला यहाँ पे, तो हमारे को थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचना ही पड़ेगा यहाँ पे, और कोई वे आउट नहीं है। आप इसकी लैंग्वेज देखोगे तो आपको अपने आप से समझ में आएगा, जैसे देखो अगर जिसको डाउट है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, लैंग्वेज देखो सबसे पहले डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है, सिंगल एक्सेप्ट देखो किसी भी तरीके से सिंगल ए एक्सेप्ट नहीं होगा, डबल ए बड़े आराम से एक्सेप्ट हो रहा है आपको नजर आ रहा है, अच्छा जी। उसके बाद फिर ट्रिपल ए, देखो ट्रिपल ए हम यहाँ पे भी घूम सकते थे, देखो इधर से घूम करके तीन ए से यहाँ जाते, ठीक है, और फिर ट्रिपल ए के बाद 4 एज तो नहीं हो रहे, 5 एज एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है, 5 एज देखो यहाँ से भी चलते हैं लूप से तो भी 5 एज एक्सेप्ट हो जाते, मतलब इधर आते सिंगल ए डबल ए फिर ट्रिपल ए 4 ए 5 5, यहाँ से भी एक्सेप्ट हो रहे थे और यहाँ से भी देखो 3 ए और फिर यहाँ से 2 ए, ठीक है, तो हाँ जी 5 एज एक्सेप्ट हो रहे हैं, फिर 7 एज हो रहे हैं एंड सॉन। तो आपको थोड़ा ध्यान से यहाँ पे भी समझ में आना चाहिए था, ये एक तीन के ऐसे लूप चल रही है और यहाँ पे भी वही बात है तीन की लूप चल रही है, दो दो लूप क्या कर रही है भाई यहाँ पे, है ना, दो दो लूप क्या कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये दो सेट उड़ा दी, ठीक है, और वहीं से बस आपको समझाना चाहिए, देखो 2 ए एक्सेप्ट हो रहे हैं, फिर हमारे पास 5 ए एक्सेप्ट हो रहे हैं, है ना, उसके बाद से 7 ए एक्सेप्ट हो रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, यहीं से ही देखते समझ में आ जाएगा कि हाँ जी नंबर ऑफ ए इज मॉड 3 रिमाइंडर इज 2, ठीक
ठीक है, तो बस तो वही बात है, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, तो हम 3 स्टेट्स में काम कर सकते थे। अच्छा जी, जिसको ये मेथड अच्छा लगा वो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन जिसको अगर ये चीज थोड़ी सी अटपटी या अजीब लग रही है ना, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने अगर शायद मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जो सीधा मेरे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, उनको मैं पहले करंट सजेशन दे देता हूँ, मेरे वीडियो देख लो भाई, थ्योरी वाले वीडियो देखोगे तो ये सब क्वेश्चन केक वॉक की तरह एक झटके में समझ में आएंगे, नहीं तो फिर वही बात है कहीं ना कहीं अटकते रहोगे, उसको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बट स्टिल वही बात है, जो नहीं देख रहे हैं या जिन्होंने नहीं देखे हैं उनके लिए मैं एक मेथड और दिखा देता हूँ। तरीके तो बहुत सारे हैं मेरे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के, उस चीज की टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने वीडियो देखे होंगे वो तो फटाफट पकड़ जाएंगे कि हाँ जी लेफ्ट लीनियर है, तो लेफ्ट लीनियर है तो हम उसको राइट लीनियर में कन्वर्ट कर देंगे, एल ट्रांसपोज आएगी, और उसके बाद फिर हम इसके लिए NFA DFA जो भी बन रहा होगा वो बना लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, है ना। लेकिन जिनको नहीं पता तो उसके लिए फिर देखो भाई वही बात है, यहाँ पे हम कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशन करके भी काम कर सकते थे। ठीक है, तो एक बार मैं इसको छोटा करता हूँ, पहले आप नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, ये एक स्क्रीन पे आ चुका है, तो आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। लो ये एक स्क्रीन पे है, फटाफट करो नोट डाउन। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्यूटीफुल बात और। ठीक है, आओ वापस इधर देखो, ये जो ग्रामर है ना भाई, इस ग्रामर को मैं देखो थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ। एस इम्प्लाइज एक्स ए था ना भाई, ठीक है, तो आप एक्स की वैल्यू पुट करके देख लो ना, एक्स इम्प्लाइज जेड ए था। एक बात ये समझो, एक्स सिर्फ एक ही प्रोडक्शन है, तो एक्स को जबरदस्ती आपने घुसा रखा है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो ना भाई। ठीक है, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी जेड ए, एक्स की वैल्यू कहते भाई जेड ए, और पीछे एक्स के पीछे जो ए था वो हमने ए रख लिया। ठीक है, तो ये जेड ए जो था भाई, ये हो गया हमारा एक्स की बजाय हमने वैल्यू पुट कर दिया, और जो ए पीछे था वो तो हमने एज इट इज रखना ही था। ठीक है जी, तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, जेड ए आ गया, साथ में वाई ए था, वाई वाई देखो भाई डब्ल्यू ए है, तो ठीक है ना, वाई की वैल्यू डब्ल्यू पुट कर दो, क्यों इतना टाइम बर्बाद करते हो, इतने सारे जबरदस्ती की सिर्फ आपको फंसाने के लिए लिख रखे हैं इतने सारे प्रोडक्शंस, कुछ था नहीं इनमें, डब्ल्यू ए और फिर पीछे एक ए था, डब्ल्यू ए तो वाई की वैल्यू लिखती और फिर साथ में पीछे एक ए था, तो वो हमने लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद फिर एक्स इम्प्लाइज जेड ए, इसको मैं उड़ा दूँ, अभी मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, वाई इम्प्लाइज डब्ल्यू इसकी भी मेरे को जरूरत नहीं, देखो कहीं वाई हमने और यूज किया ही नहीं है, थोड़ा सा ग्रामर के साथ भी खेल आना चाहिए ना आपको, यू शुड बी एबल टू प्ले विद द ग्रामर्स ऑल्सो, ग्रामर इज जस्ट लाइक अ टॉय फॉर यू। ठीक है, टॉय से जैसे बच्चा खेलता है ऐसे आपको उनके साथ खेलना आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन करनी आनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे देखो भाई, अब आगे क्या है हमारे पास, जेड इम्प्लाइज एस ए और नल है, और डब्ल्यू इम्प्लाइज एस ए है। ठीक है, अब फिर वही काम करूंगा, मैं फिर से सब्स्टिट्यूशन करूंगा और देखूंगा क्या बनता है। एस इम्प्लाइज देखो भाई जेड की वैल्यू पुट कर दो, जेड क्या है भाई एस ए है और नल है, तो ठीक है दोनों वैल्यू पुट करो भाई, है ना, दोनों को पुट करना भाई, एक करना एक ना करना वो मुश्किल हो जाएगी भाई, है ना, दोनों वैल्यू पुट करना, तो जेड की वैल्यू आप पहले एस ए पुट करो, तो एस ए और उसके पीछे डबल ए, ठीक है जी, और उसके बाद एक नल भी था, तो नल के पीछे डबल ए, दैट इज नथिंग बट डबल ए ओनली, डबल ए आ गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर डब्ल्यू की वैल्यू भी पुट करो, डब्ल्यू क्या था भाई एस ए था, तो लो भाई एस ए हमने पुट करा और पीछे दो ए थे तो हमने वो दो ए पुट कर दिया। ठीक है जी, अब आप जरा मुझे समझाओ, जेड इम्प्लाइज एस ए और नल की इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम वैल्यू ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, सारा आंसर एस में आ चुका है, प्लीज इस बात को समझो, सारा आंसर एस में आ चुका है, तो फिर जेड की वैल्यू, जेड की जरूरत नहीं है, हम इसको उड़ा देते हैं और इसको भी उड़ा देते हैं। ठीक है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, इसको भी उड़ाओ यहाँ से और इसको भी उड़ाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है, तो फाइनली हमारे पास ये ग्रामर बन के आई है। अब आपको थोड़ा सा अपने आप से दिमाग चलेगा भाई, ये ग्रामर क्या कर रही है, एस ट्रिपल ए डबल ए और एस ट्रिपल ए, तो एस ट्रिपल ए बार बार क्यों बैठा है, इसको भी यहाँ से उड़ाओ, तो हमारे पास ग्रामर क्या बन गया है भाई, एस इम्प्लाइज एस ट्रिपल ए और डबल ए, बात समझ में आई, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, जब आप या तो एस से डबल ए करके भाग जाओगे या फिर तीन ए तीन तीन एक एक ग्रुप साथ चले जाएंगे और फिर भागोगे तो डबल ए से भागोगे, समझ पा रहे, सबसे छोटा स्ट्रिंग डबल ए, उसके बाद उससे बड़ा स्ट्रिंग क्या होगा भाई, ट्रिपल ए पहले लगा लेना और फिर इस एस को भगाने के लिए डबल ए लगा लेना, मतलब पांच। ठीक है, उसके बाद फिर देखो ट्रिपल ए, फिर एक बार और ट्रिपल ए, वही बात है, मैं थोड़ा ढंग से लिखता हूँ इस चीज को, है ना, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, कॉमा डाल के नीचे लिखते हो, देखो सबसे पहले आपने एस इम्प्लस ट्रिपल ए लिखा होगा तो ट्रिपल ए, फिर एस जो आया होगा उस एस को भगाने के लिए फिर एक बार आपने वो ट्रिपल ए कर दिया होगा और फिर यहाँ से दो ए और ले लिए होंगे। ठीक है, तो तीन तीन छह दो आठ, ठीक है जी, तो फिर आठ ए जाएंगे, ठीक है, एंड सो ऑन, तो फिर हम समझ पा रहे होंगे भाई ए पावर टू ए पावर फाइव ए पावर एट डॉट 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 ऐसे कुछ है, तो मतलब नंबर ऑफ एस डिवाइडेड बाय थ्री, रिमाइंडर मस्ट बी टू, बस यहां से आपको समझ में आ जाएगा, तो हम बस बड़े आराम से अब इसके लिए डी एफ ए बनाएंगे, तो उसमें क्या टेंशन है, मिनिमल डी एफ ए सीधा बनेगा, ए पढ़ेंगे क्यू वन पे आएंगे, ए पढ़ेंगे क्यू टू पे आएंगे और यहाँ से ये पढ़ के इधर आ जाएंगे और ये हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये बताते रिमाइंडर टू, ये बताते रिमाइंडर वन और ये बताते रिमाइंडर जीरो।
आपको याद आ रहा होगा सब चीजें मैंने बता रखी है, ठीक है जीरो थ्री इज द आंसर, ठीक है तो थिंग समझ में आ गया होगा। अच्छा शायद मैंने यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक करी है, मेरे को ये देखो मेरे को अब याद आ गया एकदम क्लिक कर गया, 8 आएगा यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट है ना। तो ए पावर 2, ए पावर 5, ए पावर 8, देन ए पावर 11 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो एल विल बी ए पावर 2, ए पावर 5, ए पावर 8, ए पावर 11 डॉट 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 डॉट, ऐसे है ठीक है। तो नंबर ऑफ एज डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर मस्ट बी 2, ठीक है। तो ये आई थिंक समझ में आ रहा होगा। मॉड मशीन्स ये सब मैंने आपको बहुत बार बता रखी है, ठीक है जी। तो जो आपको तरीका ठीक लगे आप ऐसे कर सकते थे, प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, यहां तक जो बच्चा पहुंच जाएगा ना वो सीधा एक झटके में बताएगा ये भी 3 की लूप है, ये भी 3 की लूप है, तो ये फालतू की 3 की लूप क्यों चल रही है भाई, समझ पा रहे। उड़ाओ इस लूप को उड़ाओ तो मतलब दोनों स्टेट उड़ जाएंगे, आई थिंक समझ गए आप, ठीक है। चलो जी मैं कर देता हूँ छोटा, आप इस सब चीजों को कर लो नोट डाउन, ये सब जो रह गया था आपका, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करता हूँ, ठीक है। यही फायदा है अभी देखो आपको नो डाउट सब कुछ आता है और मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन भी कर रखा है, थ्योरी में मैंने बहुत लेक्चर्स दिए हैं और सारा कुछ ढंग से समझा रखा है, लेकिन एक बारी मेरी अप्रोच भी तो आपको समझानी चाहिए ना। मैं जिस तरह से क्वेश्चन को अटैक कर रहा हूँ वो सब अटैकिंग टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, टूल्स एंड टेक्निक्स जब आपको आ जाएंगी तो गेट के क्वेश्चन विल बी जस्ट लाइक अ केक वॉक फॉर यू, बहुत इजिली आप अटेम्प्ट करोगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डीओसी के सॉल्व कराओ क्योंकि हम आपका मेथड देखना चाहते हैं। तो अब आई थिंक आप लोगों को थोड़ा अच्छा लग रहा होगा और आप चीजें मेरे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। चलो बढ़ू मैं आगे, ठीक है। तो वही बात बार बार समझाता हूँ, जितने मेथड बताता हूँ ना सारे के सारे आपको ढंग से समझाने चाहिए, इससे फायदा ये होगा पता नहीं ना गेट एग्जाम में कौन सा मेथड कब कहाँ लग जाए और क्या आंसर आ जाए, ठीक है। तो सब आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो दो तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया, तो दोनों वेज आपको ढंग से आ जाने चाहिए। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जंप कर रहा हूँ, कर लिया नोट डाउन। चलो हाँ जी देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A language L satisfies the pumping lemma for regular languages and also pumping lemma for contextual languages. Which the following statement is statement about L is true? तो एक लैंग्वेज L है जो कि pumping lemma for regular language भी satisfy करवा रही है और pumping lemma for CFL भी pumping lemma for CFL भी मतलब you can say satisfy करवा रही है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के चक्कर में मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो अभी अपलोड किया था पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल, इसलिए मैंने अपलोड किया था, सिर्फ क्योंकि ये एक दो बारी वर्ड आया है गेट एग्जाम में, सिलेबस में तो नहीं है इतना ज्यादा डीप में आना भी नहीं है, लेकिन स्टिल सिलेबस में नहीं तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा आने के चांसेस नहीं है, बट स्टिल एक दो बार मतलब क्वेश्चन में ये वर्ड यूज हुआ पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल, तो आपको ऐसा ना लगे कि सर ने स्किप कर दिया और सर ने बिल्कुल बताया नहीं है पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल क्या है, तो फिर वही चीज इसलिए मैंने डिटेल में थोड़ा सा डिटेल में तो नहीं बट बेसिक बेसिक आइडिया आपको दे, लगभग आधे घंटे का वीडियो है मैंने प्रीवियस अभी जो अपलोड किया थोड़ी देर पहले, आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इसी क्वेश्चन को देखिए क्योंकि मेरे को इस क्वेश्चन में नजर आया पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल, तो फिर वही बात है और काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट भी कर रखे थे पहले कि सर पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल के लिए आपने वीडियो नहीं बनाया एंड सुन तो प्लीज बना दीजिए, तो मैंने उनको बोला था कि सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल वही बात है जब मैं क्वेश्चन देख रहा था तो मेरे को एक दो जगह ये वर्ड नजर आया है, तो फिर वही बात है मन में टेंशन आ जाए किसी के, इसलिए फिर मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको आइडिया दे दिया उसका, ठीक है। तो प्लीज वो वीडियो मेरा चेक कर लेना, ओके। उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो शायद कई बार एग्जाम में आ ना जाए, इसलिए मैंने वो सब लिखा हुआ है, आप प्लीज वो वीडियो देख लेना आप आराम से, ठीक है। लगभग आधे घंटे का वीडियो है, तो सिर्फ इसी क्वेश्चन को देख करके मैंने वो वीडियो बनाया है, ठीक है। चलिए और एक आधा कमेंट भी आया कि सर सिलेबस में नहीं है, मुझे पता है सिलेबस में नहीं है बट सिर्फ थोड़ा थोड़ा मैंने आइडिया दिया क्योंकि ये वर्ड यूज हुआ है बार बार। चलो ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो एल पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर भी सेटिस्फाई करवा रही है, पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल भी सेटिस्फाई करवा रही है। अब आपको कह रहे विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एल इज नेसेसरली अ रेगुलर लैंग्वेज, महाबकवास बात पे, ठीक है। क्यों मैं कैसे जबरदस्ती बोल दूं रेगुलर है, क्योंकि अगर पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर उसने सेटिस्फाई करवा दिया लैंग्वेज ने तो लैंग्वेज मे और मे नॉट बी रेगुलर, ऐसे ही पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल उसने सेटिस्फाई करवा दिया तो लैंग्वेज मे और मे नॉट बी सीएफएल, तो मैं इसके बारे में कुछ कहने से था ना क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है, पंपिंग लेमा इज ऑलवेज necessary condition but not sufficient condition because pumping lemma is necessary condition, तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई इसके बारे में सेटिस्फाई होगी या नहीं होगा। हाँ कई बार कई बच्चों के दिमाग में आता है कि ओहो पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल इसने सेटिस्फाई करवाया है तो रेगुलर तो वो होना ही चाहिए एंड सो, बकवास बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको रेगुलर होना ही पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव टेस्ट है, पॉजिटिव टेस्ट नहीं है। नेगेटिव टेस्ट मतलब हम इसकी इससे प्रूव कर सकते हैं कि लैंग्वेज सीएफएल नहीं है और या फिर हम ये प्रूव कर सकते हैं लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि लैंग्वेज रेगुलर है या ये प्रूव कर दे कि लैंग्वेज सीएफएल है,
तो अगेन ये पॉइंट बोल रहा हूँ जो काफी सारे स्टूडेंट्स को मन में आता है, क्योंकि पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल पढ़ा नहीं होता लोगों ने, तो लगता है कि हाँ जी पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल मतलब सीएफएल तो नेक्स्ट मतलब बड़ी क्लास ऑफ लैंग्वेजेस थी तो उसको सेटिस्फाई करवा रहा है तो शायद रेगुलर तो होगी होगी एंड सो ऑन, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जरूरी बात नहीं है, ठीक है। तो एल इज नेसेसरली रेगुलर बकवास है बात, एल इज नेसेसरली अ कॉन्टेक्स्टुअल लैंग्वेज बट नॉट नेसेसरली अ रेगुलर लैंग्वेज, ये भी बकवास बात है भाई, है ना। तो कॉन्टेक्स्टुअल लैंग्वेज का पंपिंग लेमा सेटिस्फाई होगा तो फिर वो जरूरी सीएफएल होगी, नहीं कोई जरूरी नहीं है। अच्छा एल इज नेसेसरली अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज, नहीं बकवास भाई बात, है ना, शायद वो रेगुलर भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता है भाई, हम कुछ कह नहीं सकते, सेटिस्फाई हो गया पंपिंग लेमा तो मैं कुछ नहीं कह सकता वो लैंग्वेज क्या है और क्या नहीं है। अच्छा नन ऑफ द अबव, तो ऑब्वियसली ये भी फिर हाँ, तो नन ऑफ द अबव पे टिक लग जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, तो इफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कुछ भी ट्रू नहीं है तो हमारे पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वैसे नन ऑफ द अबव के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ द अबव आ रहा है। तारे बना लो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट वही बात है काफी स्टूडेंट्स के मन में आएगा कि सर एक एग्जाम्पल दो ना तब हम मानेंगे, तो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एल आप ले लो, ये सपोज कर लो ए स्टार यूनियन ए पावर एन बी पावर एन, यूनियन ए पावर एन बी पावर एन सी पावर एन, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल पढ़ा दिया है तब ये जो मैंने एग्जांपल ये आप समझ पाओगे, नहीं तो वही बात है एग्जांपल आपको फिर ढंग से समझ नहीं आता, फिर क्वेश्चन वही बात है रटने वाली बातें हो जाती हैं। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आएगा। ए स्टार है ना भाई आपके पास, तो डबल ए पकड़ लेना, ठीक है। डबल ए पकड़ लोगे तो फिर वही बात है वन साइडेड लूप वाली बात आएगी, क्योंकि रेगुलर वाला पंपिंग लेमा एक्सेप्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लो भाई ए, ये ए पकड़ लो, जितनी बार मर्जी पंप करते चले जाना, है ना, सारे सारे स्ट्रिंग्स हमारे लैंग्वेज के अंदर आएंगे, तो पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि वही बात है पंपिंग लेमा के लिए कोई एक स्ट्रिंग के लिए सेटिस्फाई कराना, तो हमने एक स्ट्रिंग पकड़ लिया और उसके लिए मैंने पंपिंग लेमा सेटिस्फाई करा दिया, तो बस ठीक है हो गया सेटिस्फाई। अच्छा उसके बाद फिर ए पर एन बी पर एन, यहाँ से आप स्ट्रिंग पकड़ लेना से ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ठीक है। और वही बात है हमारे पास फाइव पार्ट्स में हम डब्ल्यू को ब्रेक करते थे ना, ए बी सी डी और ई, है ना, बी ओ डी, तो बी ओ डी पहचान करने होते थे, तो समझ लो जैसे ये ए ले लो, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया से हमारा डी और सी हमारा बीच में बैठा है जी नल, ठीक है। तो यहाँ पे हम नल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा नल है, तो सी इज नल नथिंग मतलब हवा, ठीक है, तो वो सब हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अब ए और बी को जितनी बारी मर्जी बंप करते चले जाओगे, क्योंकि टू साइडेड लूप होती थी, तो बी पावर आई डी पावर आई, याद आ रहा होगा आपको, अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारा समझाया, प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख लो पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल्स, है ना, वहां पे मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो बी और डी को जितनी बारी मर्जी जाओगे उतनी बारी पंप करते जाओगे, मतलब ए और बी, यहाँ पे बी इज ए डी इज बी, तो यहाँ पे हम जितनी बारी मर्जी पंप करते चले जाएंगे, दो बार पंप करोगे तो डबल ए और यहाँ पे आएगा डबल बी, तो दो बार पंप करोगे तो क्या बन जाएगा भाई, फोर एज और फोर बीस बन जाएगा, तो ऑब्वियसली लैंग्वेज के अंदर है। तीन बार पंप करोगे तो फिर क्या बनेगा भाई, डबल ए तो ऐसे स्थाई था, यहाँ पे ये तीन बार पंप हो गया तो मतलब ट्रिपल ए आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बी भी तीन बार पंप हुआ होगा क्योंकि दोनों इक्वल चलते हैं भाई, टू साइडेड लूप था ना भाई, ट्रिपल बी और यहाँ से आगे डबल बी, तो फाइव ए फाइव बी ऑब्वियसली लैंग्वेज के अंदर है एंड सो, तो सेटिस्फाई हो गया भाई माना, है ना। बट ओवरऑल जब आप ये लैंग्वेज देखोगे तो ये ओवरऑल लैंग्वेज तो भाई आपको पता भाई ये तो सी एस एल है, ठीक है। तो मैंने आपको एक ऐसी लैंग्वेज दिखा दी है जो कि सी एस एल है ना, और रेगुलर वाला पंपिंग लेमा भी सेटिस्फाई करवा रही है और सीएफएल वाला पंपिंग लेमा भी सेटिस्फाई करवा रही है, ठीक है। तो सिंपल बात भाई आपको समझ में आ चुका है कि नन ऑफ द अबव इज द आंसर, तो इसने जो पहला बोला एल इज नेसेसरी लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज, नहीं भी नहीं तो सीएसएल है। अच्छा उसके बाद कह रहा था एल इज नेसेसरी अ कॉन्टेक्स्टुअल लैंग्वेज बट नॉट नेसेसरी अ रेगुलर लैंग्वेज, नहीं भाई ये तो कॉन्टेक्स्टुअल भी नहीं है, ये तो सीएसएल है, ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा था एल इज नेसेसरी अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज, नहीं कोई जरूरी नहीं कि नॉन रेगुलर हो, ठीक है। अब बाय चांस ही तो सीएसएल के लिए दिखाया है, अब एक सिंपल रेगुलर लैंग्वेज पकड़ दो, अब एक सिंपल रेगुलर लैंग्वेज पकड़ के आप दिखा देना कि पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल भी एक्सेप्ट हो जाएगा उससे, और पंपिंग लेमा फॉर पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल भी सेटिस्फाई हो जाएगा और पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर भी सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। तो वो बात जबरदस्ती मैं कैसे कह दूं कि इट विल बी नॉन रेगुलर, उठा लो ना कोई लैंग्वेज, क्या टेंशन है। अब मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूं भाई, मैं यहां पे टाइम पास नहीं करूंगा, ए स्टार ले लो, ये लैंग्वेज ले लो, अब ये लैंग्वेज पक्की बात है पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर भी सेटिस्फाई करवाएगा और पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल भी सेटिस्फाई करवाएगा। टू साइडेड लूप होती है ना सीएफएल में, तो वन साइडेड लूप ले लेना, क्या टेंशन है आपको, मैंने आपको समझाया था ना भाई, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल दी थी, बी कैन बी नल डी कैन बी नल बट बोथ बी एंड डी कैन नॉट बी नल, ठीक है। तो फिर मतलब लेंथ ऑफ बी कैन बी नल, ये देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था, लेंथ ऑफ बी कैन बी नल, लेंथ ऑफ डी कैन बी नल, मतलब कैन बी जीरो, लेंथ ऑफ बी कैन बी जीरो, लेंथ ऑफ डी कैन बी जीरो, मतलब बी कैन बी नल डी कैन बी नल बट बोथ बी एंड डी कैन नॉट बी नल, तो ये इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन होनी चाहिए, ठीक है जी। बी को नल मान लेना, डी के सबसे चला लेना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको आईडी दिया, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैंने आपको सिंपली बता दिया भाई, यहाँ पर पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर भी सेटिस्फाई होगा, पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल भी सेटिस्फाई होगा, है ना। तो फिर वही बात है, नॉन रेगुलर में कैसे कह दूं, ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को। और ये देखो, और ये तो बट ऑब्वियस भी है, ये देखो इसने पहले ऊपर बोल दिया कि आई सेटिस्फाई द पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो फिर वही बात है कि नेसेसरली नॉन रेगुलर लैंग्वेज के ना
गलत हो जाएगा काम, है ना। सेटिस्फाई हो रहा तो फिर मे और मे नॉट वाली बात आएगी ना। अगर पंपिंग लेमा सेटिस्फाई हो रहा है रेगुलर लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज मे और मे नॉट भी रेगुलर, तो नेसेसरी नॉन रेगुलर कहने का तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सपोर्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज नॉट द अबव। मैंने काफी बार एक्सप्लेन कर दिया, पूरा डिटेल में मैंने आपको चीजें बताई हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, तो थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, एक स्क्रीन पे आ जाएगा, आप नोट डाउन कर लेना आराम से। रफली मैंने समझाया, बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं गया हूँ, रियली इतना रिक्वायर्ड भी नहीं था गेट में, गेट के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे बस उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था, बट स्टिल मैंने आपको फिर भी एग्जाम्पल दे दिया और बहुत कुछ समझा दिया यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए ध्यान रखना भाई इस टाइप के क्वेश्चन का। ओके, तो वही बात है, नाम आया हुआ था पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल एंड सो ऑन, तो फिर वही बात है किसी के मन में डाउट ना आ जाए इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, और ये बहुत कॉमन सा डाउट होता है कि पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल भी सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर शायद लैंग्वेज रेगुलर आनी ही चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई, है ना, कि पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल सेटिस्फाई हो गया लैंग्वेज से तो वो रेगुलर ही आएगी, नो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चाहे क्योंकि वही बात है नेक्स्ट कैटेगरी है सीएफएल रेगुलर से बड़ा सेट है तो वो सेटिस्फाई हो रहा है तो शायद वो भी हो जाएगा एंड बकवास है ये सब, अपने आप से मतलब मन से कहानियां मत बना के बैठ जाना। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द मशीन एम, द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय एम इज डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का स्टार सच दैट एवरी ए इन डब्ल्यू फॉलोड बाय एग्जैक्टली टू बीस। भाई देखो पर्सनली ना ये क्वेश्चन मेरे को बड़े आसान लगते हैं, आई थिंक ये वन मार्क का ही क्वेश्चन होगा, इसमें तीन ऑप्शन है ना, अगला ऑप्शन ओ 2 मार्क का दे दिया, लॉटरी है भाई आप लोगों के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन है तो गेट एग्जाम में ये मुफ्त के नंबर है आपके लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बहुत टफ लगते हैं बट पर्सनली मेरे को बड़े आसान लगते हैं, एक झटके में आंसर आएगा। देखो मैं कितनी जल्दी आपको समझाता हूँ, एक झटके में देखो एवरी ए फॉलोड बाय एग्जैक्टली टू बीस इसने कहा है, एवरी ए फॉलोड बाय एग्जैक्टली टू बीस मतलब जो भी ए आएगा स्ट्रिंग में मतलब लैंग्वेज में, जब भी लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स होंगे ना और किसी भी स्ट्रिंग में ए आएगा तो ए के पीछे एग्जैक्टली 2 भी होने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे देखो भाई ए बी बी और बी की सेल्फ लूप है भाई यहाँ पे, तो मतलब ए ट्रिपल बी स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर है और इस स्ट्रिंग में जो ए है उसके पीछे एग्जैक्टली 2 भी नहीं है भाई, 3 भी है, तो ए ऑप्शन काटा। बात समझे, इतनी स्पीड से काम होगा। अगला देखो भाई, डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का स्टार एवरी ए इन डब्ल्यू फॉलोड बाय एटलीस्ट 2 मीन्स कम से कम 2 भी होने चाहिए। ठीक है, मैं इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, अभी देखूंगा और ऑप्शंस देखता हूं, अगर बाकी ऑप्शंस पे मैं एलिमिनेट करेगा तो इस पे सीधा टिक लगा के भागूंगा और क्या। ठीक है, यही फायदा है, इतना एनालिसिस करना ही नहीं है गेट एग्जाम में, मैं बार बार समझा रहा हूँ, प्रोफेसर आपसे नहीं चाहते कि आप एग्जैक्ट आंसर निकालो और टाइम बर्बाद करो, एलिमिनेट द ऑप्शंस, कीप एन आई ऑन द ऑप्शंस, उससे फटाफट आंसर निकलेगा। आप सी ऑप्शन देखो, डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का स्टार डब्ल्यू कंटेनर सब स्ट्रिंग ए डबल बी, सब स्ट्रिंग ए डबल बी होना ही चाहिए, है ना, तो फिर अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर हम बोलेंगे कि वो जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए, है ना, तो सब स्ट्रिंग ए डबल बी, कोशिश करो उसको काउंटर पार्ट करने की, ए डबल बी सब स्ट्रिंग हो और उसके बावजूद भी हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना हो, कुछ ऐसा करने की कोशिश करो, तो लो भाई ए डबल बी ए, मैं कैसे देख रहा हूँ यहाँ से देख रहा हूँ, देखो ए डबल बी ए पढ़ के आप यहाँ पे खड़े होंगे। अब इस स्ट्रिंग में ए डबल बी ए सब स्ट्रिंग है बट ये स्ट्रिंग इस डीएफए से एक्सेप्ट नहीं हुआ है, बात समझ पा रहे हो नहीं, पहले ये चेक कर लो भाई डीएफए ना, वैसे तो मैंने फटाफट भूल ही दिया डीएफए, मेरे को नजर आ रहा था बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ए और बी कंप्लीटेड, ए और बी इसका भी कंप्लीटेड, ए और बी इसका भी कंप्लीटेड, बी और ए इसका कंप्लीटेड, ए और बी इसका भी कंप्लीटेड, तो ये डेड सीट है हमारी, है ना। हाँ जी, तो ठीक है, सब कुछ ए और बी सबके कंप्लीटेड है तो डीएफए फर्स्ट क्लास डीएफए है, तो अब यहाँ पे हमने चेक कर लिया ए डबल बी ए, ये स्ट्रिंग के लिए हमारे पास ये स्ट्रिंग लैंग्वेज में एक्सेप्ट नहीं हो रहा, बट अगर मैंने बोल दिया कि कंटेन सब स्ट्रिंग ए डबल बी तो किसी भी स्ट्रिंग में कहीं पे भी ए डबल बी आता तो फिर वो स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए था बट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो लो जी इस पे भी काटा लग गया। पसंद आई, फटाफट से गेट एग्जाम बैठे बैठे देखो कंटेन सब स्ट्रिंग ए डबल बी, तो काउंटर एग्जाम्पल सोचो ना इसका, ए डबल बी सब स्ट्रिंग हो और उसके बावजूद भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना हो, तो छोटे छोटे स्ट्रिंग उठा के देखो, सबसे पहले छोटा लगेगा आपको ए डबल बी, तो लो भाई ए डबल बी तो एक्सेप्ट हो गया, उसमें देखोगे ए डबल बी ए ये एक्सेप्ट नहीं हुआ और ए डबल बी ए में ए डबल बी ऐसे सब स्ट्रिंग बैठा है एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो काटा लग गया इस ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन देखो भाई, डब्ल्यू ए बी स्टार डब्ल्यू डज नॉट कंटेन डबल ए एज ए सब स्ट्रिंग, डज नॉट कंटेन डबल ए सब स्ट्रिंग, अब ये भी बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करते हैं लेकिन पर्सनली ये ऑप्शन मेरे को बड़ा अच्छे लगते हैं, इस टाइप से ऑप्शन डेट डज नॉट कंटेन डबल ए सब स्ट्रिंग, सबसे छोटा स्ट्रिंग बता भाई जिसमें डबल ए सब स्ट्रिंग नहीं होगा, नल। अब देखो भाई पीछे आकर के क्या नल एक्सेप्ट होता है, यहाँ पे नल एक्सेप्ट नहीं होता, इनिशियल फाइनल नहीं, बस वहीं पे काटा।
देख रहे हो कितना जल्दी और कितना इजीली हम आंसर करते हैं, फटाफट से एलिमिनेट करते चले जाओ ऑप्शंस को। यही अप्रोच स्टूडेंट्स में से सीखना चाहते हो, तभी मेरे को स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि सर पी वाई क्यू अपलोड करो। तो पी वाई क्यू करने का मेरा कोई एम ही नहीं बनता है, मतलब मेरी ड्यूटी भी नहीं बनती, क्योंकि मैंने इतनी डिटेल में और इतनी अच्छे से आपको थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं कि आप एक झटके में क्वेश्चन कर सकते हो। बट एक बार मेरी अप्रोच आप देखना चाहते हो तो इसलिए मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ। समझ आया? तो डज नॉट कंटेन डबल एफ सबस्ट्रिंग, डज नॉट कंटेन डबल एफ सबस्ट्रिंग में सबसे छोटा स्ट्रिंग देखो नल, और यहाँ पीछे आगे देखना नल तो एक्सेप्ट नहीं होता अगर समय पे काटा। तो पहले वाली काटा कैसे लगाया है, एवरी ए इन डब्ल्यू फॉलोड बाय एग्जैक्टली टू बीस, इसके लिए हर एक ए के पीछे हम एग्जैक्टली दो भी होने चाहिए थे। तो मैंने एक ए के पीछे तीन भी लगा दी और देखा वो तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया, वो तो नहीं होना चाहिए था। और सोचा कैसे मैंने, यहाँ पे ऐसे सोचा देखो ए बी बी और फिर फाइनल सेट पे खड़े यहाँ पे बी की सेल्फ लूप थी, तो ए ट्रिपल बी हमारा एक्सेप्ट हो रहा था और ए ट्रिपल बी एक्सेप्ट हो रहा था। तो फिर यहाँ पे तो इसने क्या कह रखा था, जितने भी ए आए ना हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर हर एक ए के पीछे एग्जैक्टली दो भी होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो भाई तीन बी वाले भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, काटा लगा दिया। ठीक है, सी ऑप्शन पे भी काटा कैसे लग गया, ए डबल बी सबस्ट्रिंग इसने कहा था वो तो मैं काफी बता चुका हूँ, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन इज करेक्ट। ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा समझना नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर आया। ठीक है, सीधा आंसर आपको आ गया होगा समझ में। अब थोड़ा सा वही बात है, प्रॉपर प्रूफ करना है, प्रॉपर मेथड चाहिए, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। देखो सीधी सी बात है, अभी देखो बी शुरू में कितने मर्जी देखो फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ए पढ़ोगे उसके बाद दो भी आपको पढ़ने हैं, दो भी के बाद सेल्फ लूप आपने लगा रखी है, मतलब जितने चाहो उतने बीस पढ़ते चले जाओ, तो इसका मतलब ये एटलीस्ट टू बी की सेंस दे रहा है आपको। अच्छा, उसके बाद जैसे ही ए आएगा तो फिर हम इधर आ जाएंगे दो बी की तलाश में। ठीक है जी, अच्छा जी, अब वही बात है, ए पढ़ लिया आपने, उसके बाद जैसे ही आपने एक ए और पढ़ लिया तो मतलब एवरी ए फॉलोड बाय एटलीस्ट टू बीज मैंने कहा था, तो इस ए के पीछे एक और ए आ गया, तो मतलब इस ए के पीछे मैंने कोई भी बी नहीं लगाया, लेकिन मैंने क्या कहा था हर एक ए के पीछे कम से कम दो बी होने चाहिए। तो वही बात है, फिर मैं डेड सेट पर चला जाऊंगा और फिर मेरी आंखें बंद है, मैं कहूंगा मेरे को कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मेरे पास एक ए ऐसा आ चुका है जिसके पीछे सीधा ए आ गया, मतलब एक ए एक ऐसा मेरे को मिल चुका है। ये देखो भाई, अगर स्ट्रिंग है हमारे पास ये देखो आराम से देखो, एक ए है और उसके पीछे मैंने ए और डाल दी, तो मतलब मेरे पास स्ट्रिंग में एक ऐसा ए है जिसके पीछे कम से कम दो भी नहीं आए हैं, ये मिल चुका है। तो बस अब इसके आगे कुछ मर्जी आ जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा भाई, मेरे को इस स्ट्रिंग को रिजेक्ट ही करना है, इसलिए मैं डेड शीट पे जाके बंद कर रहा हूँ अपना काम, मतलब यहाँ पे ये भी सारे घुमा दूंगा है ना, मतलब डेड शीट पे चले गए। सिमिलरली अब देखो, अगर आपने ए बी पढ़ लिया तो आप यहाँ खड़े हो गए, यहाँ जहाँ पेन चल रहा है वहां ध्यान लगाओ, यहाँ पे खड़े हो गए। उसके बाद अगर आपने ए के पढ़ लिया तो अब इस ए की क्या कहानी है भाई, मैंने बोलता हर एक ए के पीछे कम से कम दो भी नजर आना चाहिए, लेकिन इसके पीछे तो एक ही बी नजर आया है, तो इमीडिएटली मेरे को स्ट्रिंग को रिजेक्ट करना है। इसके पीछे आप जो मर्जी पढ़ते रहे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं डेड सेट पे आ गया, जो भी कुछ होगा यहाँ पे पढ़ते रहेंगे, बट स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि हम फाइनल तक पहुंचेंगे ना, यहीं पे डेड सेट पे खड़े रहेंगे। डेड सेट या ट्रैप सेट, ट्रैप सेट या डेड सेट को कहते हैं क्योंकि यहीं पे हम सारा कुछ घुमा रहे हैं, एक बार यहाँ आ गए तो यहाँ से बाहर निकलने का आपके पास रास्ता नहीं, आप यहाँ पे ट्रैप हो चुके हो, इसलिए इसको ट्रैप सेट कहते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आई थिंक आपको प्रॉपर प्रूफ मिल चुका है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जो भी आप ए पढ़ोगे स्ट्रिंग में उसके पीछे कम से कम दो भी जरूर नजर आने चाहिए। ठीक है, तो देखते ही अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, जो भी ए आप पढ़ोगे उसके पीछे कम से कम दो भी हमारे को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, और बी से हमारा कोई कंसर्न ही नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे बी की सेल्फ हेल्प लगा रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, शुरू में कितने मर्जी बीज आ जाए हार्डली मैटर स्विमिंग, बट जैसे ही ए मिलेगा उसके बाद मेरे को कम से कम दो भी चाहिए चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है जी, आई थिंक हो गया होगा क्लियर, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप खुद से एनालिसिस करोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आप जंप करता हूँ, छोटा कर दिया मैंने इसको, नोट डाउन कर लो आप लोग फटाफट, कर लिया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ फाइनाइट स्टेट मशीन विच टेक्स एज इनपुट अ बाइनरी नंबर फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ध्यान रखना भाई, बाइनरी नंबर ले रहा है फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट, मतलब उल्टा नंबर हम दे रहे हैं, तो क्या कर रहा है भाई, जीरो का जीरो रहने दे रहा है, पहले वन को एज इज, बाकी सब का वंस कॉम्प्लीमेंट, तो देखते ही नजर आएगा भाई ये तो टूस कॉम्प्लीमेंट मशीन है, टूस कॉम्प्लीमेंट मशीन। अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है एंड सॉन, तो प्लीज मेरे मिले मोर मशीन के वीडियो देखो, रादर मिले मशीन का वीडियो देखना, मैंने वहां पे टू काउंट मशीन आपको कंस्ट्रक्ट करके भी दिखाई थी, और इनफैक्ट जब मैंने टीओसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे डिस्कस करने, वहां पे मैंने आपको 7-8 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन दिखाए थे मिले मोर मशीन पे। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो देखो भाई, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड करके दिखा देता हूँ एक बार फटाफट। ठीक है, शुरू शुरू का जो क्वेश्चन कराए थे ना मैंने,
वहाँ पे आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए थे ये सारे मशीन्स, ये जब मैंने यहाँ पे आपको समझाया था वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 1994 का जो था, यहाँ पे मैंने FSM के बारे में आपको भी समझाया था कि फाइन स्टेट मशीन क्या होती है एंड सो ऑन, और फाइन स्टेट मशीन एज एक्सेप्टर भी चलती है और एज ए ट्रांसड्यूसर भी चलती है, एज एक्सेप्टर FA NFA DFA ये सब होते थे और एज ए ट्रांसड्यूसर मिलेमोर मशीन होते थे। फाइन स्टेट मशीन का मतलब क्या होता था, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, यहाँ पे ऑक्सिलरी मेमोरी का कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी हम लोग यहाँ पे नहीं लगाते, सिर्फ फाइनल स्टेट्स होती थी, ठीक है। तो वो सब आपको खैर याद आ रहा होगा, है ना, फिर भी मैंने बोल दिया, पता नहीं क्यों बोल दिया। हाँ ये देखो भाई, ये लिस्ट मैंने आपको प्रॉपर दिखाई थी, है ना, सम स्टैंडर्ड मिलेमोर मशीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टू स्कोरिंग मशीन मैंने आपको प्रॉपर बना करके भी दिखाई थी, यही तो फायदा है ना भाई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करने का। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं काफी सारे, जितनी भी टीओसी की बुक्स आप देखोगे लगभग हर किताब में आपको ये 7 क्वेश्चंस तो मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। और यही 7 क्वेश्चंस एज इट इज गेट एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो यही 7 के 7 क्वेश्चंस 7 टाइप्स के जो मैंने कराए थे, यही एज इट इज गेट एग्जाम में आए भी हुए हैं, मैंने आपको प्रूफ भी अब दिखा दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई बातें हवा में नहीं करता हूँ, जो भी चीजें बताता हूँ पूरा एग्जैक्ट डिटेल के साथ बताता हूँ, ताकि एज इट इज आपके क्वेश्चन फटाफट से गेट एग्जाम में सॉल्व होना शुरू हो जाए, ठीक है ना। चलो अब देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, मैं यहाँ पे इस पे क्वेश्चन पे टाइम पास नहीं करूंगा। चलो भैया वापस, ठीक है। तो गेट 1994 के वीडियो देखना मेरा, गेट 1994 टीओसी क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चंस ऑन टीओसी ऐसे करके कुछ टाइटल था, गेट 1994 क्वेश्चंस ऑन टीओसी, ठीक है। हाँ तो इस वीडियो में मैंने ये सब डिस्कस किया हुआ है, प्लीज वो देख लेना, मैंने स्लाइड में भी आपको दिखा दिया है। तो मेरे ख्याल से इसको मेरे को घुसने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं बोलूंगा इट कंप्यूट टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट नंबर, ठीक है। ये देखो इंक्रीमेंट वाला ऑप्शन आया हुआ है, देखो इंक्रीमेंट वाला डिक्रीमेंट वाला ये सब मैंने करा रखे हैं आपको, वंस कॉम्प्लीमेंट मशीन निकालनी है सब सब बता रखा है मैंने, ठीक है। चलिए ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे ना इसलिए मैंने ये सब डिस्कस कर रखे हैं। चलिए ठीक है जी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, आगे बढ़ता हूँ मैं, नोट डाउन कर लेना इसको, तो छोटा कर दूँ। ठीक है, कर लिया नोट डाउन। चलो देखो 2005 में, देखो पांच दो नंबर का क्वेश्चन है, और दो नंबर के क्वेश्चन को करते टाइम हमारे को 10 सेकंड भी नहीं लगे, यही तो पावर है ना, अच्छे से नॉलेज गेन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत टाइम सेव होगा गेट एग्जाम में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहे हैं, इन द ऑटोमेटॉन बिलो एस इज द स्टार्ट स्टेट एंड टी इज द ओनली फाइनल स्टेट, एस स्टार्ट स्टेट है और टी हमारी फाइनल स्टेट है। कंसिडर द स्ट्रिंग्स ए डबल बी ए बी ए बी ए बी एंड डबल ए डबल बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द ऑटोमेटॉन एक्सेप्ट यू वी बट नॉट डब्ल्यू एंड सो ना। बकवास क्वेश्चन है, तो सिंपल सा एक नंबर का होगा मेरे हिसाब से। हाँ देखो एक नंबर का ही मेरे को लग ही रहा था, क्योंकि ये तो कोई भी बता देगा कौन एक्सेप्ट हो रहा है कौन रिजेक्ट हो रहा है, फटाफट से देख लो, कोई बात नहीं। ए डबल बी ए बी ए, देखो भाई शुरू में आपने पढ़ा ए डबल बी ए बी ए एक्सेप्ट हो रहा है भाई, है ना, तो यू इज एक्सेप्टेड। अच्छा जी वी वी की बात करो, बी ए बी बी ए बी बी ए बी रिजेक्ट हो रहा है। अच्छा जी डब्ल्यू डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी ए ए बी बी रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखते समझ, तो यू एक्सेप्ट हो रहा है, बी और डब्ल्यू रिजेक्ट हो रहे हैं। अच्छा और साथ साथ ना आप यहाँ पे ये भी चेक कर लिया करो कि NFA या DFA है, अगर NFA तो शायद कोई और रास्ता ना निकला है, वहां पे थोड़ी सी टेंशन आ जाएगी दिमाग में, है ना, क्योंकि एक रास्ता आपने देखा जो कि फाइनल तक नहीं लेके जा रहा, शायद कोई और रास्ता होता इनिशियल से फाइनल तक जो ले जाता, देर आर मल्टीपल पाथ ना NFA में, हो सकता है मल्टीपल पाथ हो, तो अगर हो सकता है मल्टीपल पाथ हो तो फिर सारे पाथ आपको चेक करने पड़ेंगे, वो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे चेक करना है DFA NFA, फटाफट से चेक करो। अभी देखो एस का ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, ठीक है, ए और बी कंप्लीटेड है, टी का ए और बी कंप्लीटेड है, और ये जो ये स्टेट है इसका भी ए और बी कंप्लीटेड है, और सब जगह यूनिक मूव्स है, तो पक्की बात है तो DFA है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ ए की पाथ था, तो ये तो डेड सिंपल क्वेश्चन हो गया। हाँ अगर यहाँ पे NFA आता ना, अगर यहाँ पे ये NFA होता तो शायद ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता था। 2 नंबर का क्यों आ सकता था, क्योंकि मल्टीपल पाथ होते और शायद कोई ना कोई पाथ हम आपको फाइनल तक ले जाता जो आपको शायद विजिबल ना होता, तो प्रोफेसर क्वेश्चन इसको इतना ध्यान से बनाते कि कोई ऐसा स्ट्रिंग देते जिसमें मल्टीपल पाथ होते जो कि रिजेक्ट तक मतलब रिजेक्ट करवाते स्ट्रिंग को, लेकिन शायद एक आधा पाथ ऐसा होता जो कि इनिशियल से फाइनल तक ले जा रहा होता, स्ट्रिंग एक्सेप्ट होता, और फिर सारे 99% बच्चे रिजेक्ट 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 करके आ जाते कि हाँ स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड बट एक्चुअली वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होता, ठीक है। तो उस टाइप से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना चाहिए तो 2 नंबर का बनेगा, DFA में तो भाई एक ही नंबर का क्वेश्चन आएगा, डेड सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है, एक ही पाथ है तो फटाफट से देखते हैं आपको समझ में आएगा, और कोई रास्ता ही नहीं था, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या देखा, यू इज एक्सेप्टेड वी एंड डब्ल्यू इज रिजेक्टेड, तो एक फटाफट से कौन सा ऑप्शन बनता है भाई, यू एंड वी बट नॉट डब्ल्यू, ऑटोमेटन एक्सेप्ट ईच यू वी डब्ल्यू द ऑटोमेटा रिजेक्ट यू वी एंड डब्ल्यू द ऑटोमेटा एक्सेप्ट यू बट रिजेक्ट वी एंड डब्ल्यू, ठीक है जी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, यू एक्सेप्ट हुआ वी एंड डब्ल्यू रिजेक्ट हुआ, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, कर लेना नोट डाउन भाई, ठीक है जी, इसको छोटा कर देता हूँ मैं, कर लो नोट डाउन।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। विच रेगुलर एक्सप्रेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन बिलो। जो भी हमारे पास एन एफ ए गिवन है, कौन सी है रेगुलर एक्सप्रेशन जो इसको डिस्क्राइब कर रही है, मतलब एन मतलब एफ ए टू आर ई। देख रहे हो बहुत क्वेश्चन हैं एफ ए टू आर ई के, बहुत क्वेश्चन आए हैं। आर्डन थ्योरम या स्टेट बाईपास मेथड कैसे भी कर सकते हो, और वो भी नहीं लगाना चाहते तो डायरेक्ट भी आंसर आते हैं बहुत, कई की बार बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक नंबर का है ना भाई, एक नंबर है तो मत घुसना आर्डन थ्योरम में और ना ही घुसना स्टेट बाईपास मेथड में, सीधा कोशिश करो कॉमन सेंस से आंसर निकलेगा। देखो भाई पहली बात तो ये समझो, इस एन एफ ए में जो भी स्ट्रिंग होगा वो बी से एंड होगा, ठीक है, इतना समझ आ रहा है ना, क्योंकि बी से हम फाइनल स्टेट पे आ रहे हैं तो बी से एंड होगा। अब देखो भाई ए डबल बी का स्टार आपने यहाँ पे लगा रखा है, तो ए डबल बी का स्टार का मतलब क्या होगा कि सबसे छोटा स्ट्रिंग नल एक्सेप्ट होना चाहिए था। ए डबल बी स्टार में सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या है, नल है, तो क्या यहाँ पे नल एक्सेप्ट हो रहा है, एनएफए में नहीं हो रहा, काटा। देखो कितनी जल्दी फटाफट से आंसर आएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ बड़े डेड इजी क्वेश्चन होते हैं ये। यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे क्या कहानी है, देखो आखिरी में ए प्लस बी का होल स्टार बैठा है, तो मतलब आखिरी में ए भी आ सकता था, है ना, तो मतलब ये देखो शुरू में कुछ मर्जी आ जाए ए, फिर कुछ मर्जी आ जाए बी, और फिर कुछ मर्जी आ जाए, मतलब ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग में कुछ मर्जी आ जाए आपको ए के पढ़ना ही पढ़ना है, फिर कुछ मर्जी आ जाए उसके बाद आपको बी पढ़ना ही पढ़ना है, और फिर कुछ मर्जी आ जाए, ये कुछ है भाई, ये रेगुलर एक्सप्रेशन कह रहे हैं इसके लिए। देखना जरा शुरू से, शुरू में कुछ मर्जी आ जाए बात बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, उसके बाद ए पढ़ना था बात बिल्कुल ठीक है, उसके बाद कुछ मर्जी आ जाए यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये लग सकता है क्योंकि हाँ जी कुछ मर्जी आ जाए, बट नहीं, ये एक लेंथ की स्ट्रिंग है, एग्जैक्टली वन लेंथ है, दो तीन चार पांच ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तो फिर वही बात है, ये दिक्कत है, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन पे काटा लग जाएगा। और बेसिक सी बात ऐसे भी थी भाई, सबसे छोटा स्ट्रिंग उठा करके देखो यहाँ पे सबसे छोटे, देखो छोटे छोटे स्ट्रिंग में गड़बड़ होती है, मैं आपको हमेशा समझाता था बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। सबसे छोटा स्ट्रिंग देखो भाई यहाँ पे, यहाँ पे सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा था भाई, नल, और नल यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा था इसलिए मैंने काटा लगा दिया। यहाँ पे भी देखो ज्यादा इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं थी, मैं तो समझा रहा हूँ तो आपको टाइम लगा रहा हूँ, अगर मेरे सामने क्वेश्चन आता तो मैं 10 से 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करके भाग सकता था। कैसे भागता, मैं यहाँ पे सबसे छोटा स्ट्रिंग उठाता, सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा है जी, ए बी है, देखना जरा यहाँ पे ए बी एक्सेप्ट होता है क्या, ए यहाँ पढ़ोगे बी यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ पे आओगे, है ना, ए डबल बी है सबसे छोटा स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट हो रहा है, या फिर ए ए बी है, ये जो एफ ए है ये ए बी बी एक्सेप्ट करवा रहा है, या फिर ए ए बी, ये है सबसे छोटे स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट हो रहे हैं, लेकिन ये तो सबसे छोटा स्ट्रिंग ए बी कह रहा है तो ए बी तो रिजेक्ट हो रहा है, काटा लगा उस पर, और ये क्या कह रहा है भाई ए प्लस बी कॉस, तो महाबकवास हो गया इसमें, वही बात है ये तो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स वाले भी कह रहा है, तो इसमें तो सबसे छोटा स्ट्रिंग नल बैठा है तो यहाँ पे तो नल एक्सेप्ट नहीं हो रहा, काटा लगाओ, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन ठीक है, तो क्यों टाइम पर बात करना, क्यों एनालिसिस करना है, सीधा सीधा आंसर निकलेगा। आओ ये बात है, प्रॉपर आपको प्रूफ चाहिए, प्रॉपर चाहिए तो मैं मेथड भी देता हूँ आपको, ये देखो भी ए प्लस बी का होस्टर शुरू में कुछ मर्जी आ जाए, उसके बाद एक ए पढ़ना है इधर आओगे, उसके बाद देखो ए प्लस बी डाल रखा है ना, क्योंकि ए कॉमा भी मतलब ए अभी आप कुछ भी पढ़ सकते हो, उसके बाद आपको फाइनली एक बी पढ़ना ही पढ़ना था, तब आप फाइनल पे जाओगे, सीधा तो नजर आ रहा है इसमें तो, क्या ही क्या समझ पा रहे हो कि नहीं, कुछ भी नहीं है भाई, ए बी सेल्फ लूप है, तो मतलब ए प्लस बी का होस्टर कुछ मर्जी आ जाए उसके बाद आपको ए के पढ़ना है यहाँ पे आओगे, उसके बाद ए पढ़ो या बी पढ़ो तो यहाँ पे आओगे, तो लिखो भाई ए पढ़ो या बी पढ़ो, या मतलब प्लस और वाली बात होगी, उसके बाद लास्ट में आपको एक बी पढ़ना ही पढ़ना तब फाइनल पे आओगे, तो ये ऑप्शन सीधा करेक्ट हो गया, बात समझ आई, तो बहुत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हो, है ना, तो देखते ही देखो अगर आपका सीधा पहले ऑप्शन को ठीक करने की बात बनती है तो सीधा आप यहाँ पे चला करके सीधा एक ऑप्शन पे टिक लगा के भाग सकते थे, बट वही बात है डबल श्योरिटी होनी चाहिए हमारे पास ना, गेट एग्जाम में इतनी जल्दी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, शायद कहीं आप फंसा भी सकते हैं, एक बात ये भी याद रखना, अगर आपको बहुत आराम से और बहुत ईजिली आंसर आ रहा ना समझ लेना शायद कहीं प्रोफेसर ने कोई धोखा ना कर रखा हो, तो एक दो बार उसको ढंग से देख लेना, तो इसलिए फिर सारे ऑप्शन को आप एलिमिनेट भी करके देख लेना, आपने नो डाउट पहले सीधा चलाया चला कर देखा ए प्लस बी का होल स्टार ए प्लस बी और बी, तो ठीक है ए ऑप्शन पे टिक लग रहा है, बट फिर बाकी सब ऑप्शंस की चेकिंग भी कर लो साथ साथ, फटाफट से पता लग जाएगा ए बी बी का होल स्टार कह रहा है सबसे छोटा स्ट्रिंग नल आएगा, नल तो यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है तो इसलिए इस पे काटा लग गया, यहाँ पे सबसे छोटा स्ट्रिंग ए बी आ रहा है और ए बी रिजेक्ट कर रहा है तो इसलिए इस पे काटा लग गया, यहाँ पे वही बात है सबसे छोटा स्ट्रिंग नल आ रहा है, नल ये रिजेक्ट कर रहा है मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो इस पे काटा लग गया, तो सीधा फिर ए ऑप्शन ठीक है, डबल श्योरिटी थोड़ी सी रखना और कुछ पकड़ गए, चलो भाई इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं फिर जंप करता हूँ, करूँ जम, ठीक है बस मेरे ख्याल से और बहुत है इतना, एक्चुअली मैं अब थक गया हूँ भाई, है ना, इतना मेरे से बोला नहीं जा रहा आज इस लेक्चर में, फिर भी मैंने काफी एनर्जी लगा दी है अपनी, इतनी ताकत तो नहीं थी मेरे अंदर, बट ठीक है कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए सब कुछ करने को मैं रेडी हूँ, ठीक है, बस आपके नंबर अच्छे आने चाहिए बस और कुछ नहीं, चलो ठीक है भाई यहाँ से आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे, ठीक है, तो गेट 2006 तक हम लोग पहुंचे हैं, ठीक है, ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय।